जय हिंद सभी को, वेलकम टू के एन एस ब्रेन चैनल। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे, जिसका नेम है टर्नर सिंड्रोम। ये क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर। उसमें हम लोगों ने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पहला डिसऑर्डर डाउन सिंड्रोम, दूसरा डिसऑर्डर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम पढ़ चुके हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या आप हमारे चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, मोस्टली ये बात करेंगे कि जो टर्नर सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। तो आज आ जाइए यहाँ पर, क्या होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी के कारण डेवलप होता है। अब मोनोसोमी, ट्राइसोमी, एन्यूपोलाइडी, पॉलीपोलाइडी, ये सारी कंडीशंस क्या होती हैं, इस पर भी हमने पहले से वीडियो बना चुका हूँ, और आपको उस पर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके पहले वीडियो देख सकते हैं, देन आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो चलिए, तो आज मैं यहाँ पर बताऊँगा कि जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो मोनोसोमी के कारण डेवलप होता है, और ये मेनली फीमेल में डेवलप होता है। होता क्या है इसमें, फीमेल का जो एक्स क्रोमोसोम है, लिखा है, देखिए, वन एक्स क्रोमोसोम डिलेटेड इन फीमेल, यानी फीमेल्स में नॉर्मली टू एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगर सेक्स क्रोमोसोम की बात करें, एक्स एक्स फीमेल में और एक्स वाई मेल में होता है, और मेल में ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम मैंने आपको पढ़ा रखा है इससे पहले लेक्चर में, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँगा फीमेल में, तो इसमें एक एक्स क्रोमोसोम डिलीट हो जाएगा, इसलिए इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एक्स ओ से, ओ मतलब एक्स जीरो से। तो यहाँ पर ये ओ नहीं है, जीरो, इसलिए मैंने मेंशन भी कर रखा है, यानी मादा में एक एक्स गुणसूत्र घट जाता है, जिस वजह से इसे हमें रिप्रेजेंट करना होगा कैसे, 44 प्लस एक्स ओ, यानी 44 प्लस एक्स ओ, यानी वैसे तो नॉर्मली 44 और प्लस एक्स एक्स फीमेल में होते तो 46 क्रोमोसोम हो जाते। यहाँ पर क्या है, 44 प्लस एक्स ओ क्रोमोसोम, यानी एक्स जीरो क्रोमोसोम हो गया, जिस वजह से यहाँ पर एक क्रोमोसोम लेस हो गया, यानी अगर टोटल नंबर बात करें तो यहाँ पर हम लोग के 45 क्रोमोसोम ही रह जाएंगे 46 की जगह। अब बात कर लेते हैं रेशियो की, तो 5001 रेशियो मैंने रखा है, यानी 5000 स्त्रियों की अगर आप लोग सर्च करेंगे तो उसमें से कोई एक ही ऐसी बच्ची होगी जो जन्म लेगी, यानी 5000 अगर बच्चियों का जन्म हुआ है तो उसमें से कोई एक ऐसी लड़की होगी जिसमें टर्नर सिंड्रोम प्रेजेंट होगा। अब इस टर्नर सिंड्रोम में अगर वो प्रेजेंट है तो उसमें क्या क्या करेक्टर डेवलप हो जाएंगे, ये इस पर बात कर लेते हैं। तो जो अगर टर्नर सिंड्रोम है तो उसमें जो फीमेल होगी वो स्टेराइल होगी, यानी जो मादा होगी वो बांझ होगी, यानी वो नई संतानों को जन्म नहीं दे सकती है। दूसरा कारण क्या होगा, जो सेक्सुअली सेक्सुअल करेक्टर्स नॉट डेवलप, यानी जो मादा में द्वितीयक जनन लक्षण होते हैं वो नहीं विकसित होंगी, जैसे चेस्ट का डेवलपमेंट, आवाज़ भारी होना, ये सब इसमें ठीक, फेस स्किन, जो भी मेल और फीमेल में डिफरेंट करेक्टर होते हैं वो डेवलप इसमें नहीं होंगे, तो इस वजह से इसमें ये डिफेक्ट डेवलप हो जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।